আপনারা দেখছিলেন স্কাউট গাইড ছাত্রীরা দিচ্ছিলেন। এরপরে ডেকে নিচ্ছি সরাসরি ভাবে আমরা ইসলামপুর গার্লস স্কুলের ছাত্রীদের। আমি গুজারিশ করুঙ্গা ইসলামপুর গার্লস স্কুল কে স্টুডেন্টস আয়ে আর আপনি নৃত্য ক্লাসে হম সবই কা মন জয় করে। তো উসে পহলে মে গুজারিশ করুঙ্গা ইহা পে স্থিত হ্যাঁ হমারে श्रीमान चंदन सेठ जी बीजेपी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट इस्लामपुर के, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो आए। केंद्रीय मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य, विभिन्न राज्यों के गवर्नर, मुख्यमंत्रीगण, राज्य मंत्रिमंडल के मंत्री श्री, सांसदगण, विधायकगण, भारत के करीब 1300 प्रमुख रेलवे स्टेशन अब अमृत भारत रेलवे स्टेशन के तौर पर विकसित किए जाए, उनका पुनर्विकास हो, आधुनिकता के साथ हो, इसमें से आज 508 अमृत भारत स्टेशनों के पुनर्निर्माण का काम शुरू हो रहा है और इन 508 अमृत भारत स्टेशन के नवनिर्माण पर करीब 25,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। आप कल्पना कर सकते हैं ये देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, रेलवे के लिए और सबसे बड़ी बात है मेरे देश के सामान्य नागरिकों के लिए ये कितना बड़ा अभियान होने वाला है। इसका लाभ देश के लगभग सभी राज्यों को मिले। पिछले 9 वर्षों में भारतीय रेलवे ने हमें अभूतपूर्व ट्रांसफर देखा। प्रधानमंत्री जी की रेल विकास के राष्ट्र विकास की जरूरत का साक्षी है। इस वर्ष देश के हर राज्य में प्रधानमंत्री जी ने करोड़ 2,40,000 करोड़ चाहे जम्मू कश्मीर का आज खेती नदी के नीचे मेट्रो बनने का काम हो, देश में चल रही 50 हो या फिर तेजी से बन रहे मुंबई से अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का काम हो, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उन सब प्रोजेक्ट की देश भर में चर्चा है। इसी कड़ी में पूरा करने के संकल्प से बंधी है। माननीय प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट मार्गदर्शन था कि स्टेशन का डिजाइन ऐसा बने जो अगले 50 वर्ष में ऐसे वर्ल्ड क्लास डिजाइन के काम करके आज 508 स्टेशन का फाउंडेशन स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी लेकर सभी आसानी से आ जा सके, नई अर्बन स्पेसेस बने जो नागरिकों को नई सुविधाएं दे सके, हर स्टेशन जहां पर वोकल फॉर लोकल और सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र पर आधारित ये नए स्टेशन सभी नागरिकों को डिग्निटी। इतना ही नहीं, स्टेशन भवनों का डिजाइन स्थानीय संस्कृति और विरासत से जुड़ा है। देश के कोने कोने तक कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज, हाईवेज और वाटरवेज का विस्तृत नेटवर्क बन रहा है। भारत को विकसित देश बनाने के सपने की एक मजबूत नींव। इस बड़े बदलाव के पीछे प्रधानमंत्री जी की दूरगामी सोच है। अपनी विकास यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए हम सभी तैयार। एक बार फिर से प्रधानमंत्री करता हूँ और हार्दिक आभार करता हूँ। जय हिंद, धन्यवाद। पता है अन्य देशों की तरह हमारे देश के रेलवे स्टेशन केवल रेलवे स्टेशन नहीं होते, यहाँ इमोशन भी है, यादें भी, छिछोरियाँ भी और राहत भी। पहले लोग विदेशों में ही देखते थे, अब भारत में भी ऐसे स्टेशन बन रहे हैं।
तो अब हमारे स्टेशन होंगे जानदार भी और शानदार भी। यहाँ एयरपोर्ट की तरह मल्टी लेवल पार्किंग होगी। प्रवेश में बुजुर्गों दिव्यांगों की यात्रा सुखद होगी। अब दिव्यांगों की सुविधा के लिए हमारे स्टेशनों पर ब्रेल लिपि वाले साइनेज भी होंगे। पर्यावरण को भी पीछे नहीं छोड़ेंगे हमारे अमृत स्टेशन। ये सभी इमारतें बनेंगी ग्रीन बिल्डिंग मापदंडों के अनुसार और समुचित सुविधाओं तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि ये मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी का भी हब हो, यानी बस हो, मेट्रो हो, टैक्सी हो, ऑटो हो, यातायात के हर साधन यहाँ एक ही छत के नीचे कनेक्टेड होंगे। यात्रियों की सुविधा और उसका प्रतीक अमृत भारत स्टेशन। डिब्रुगढ़ का बटन दबाकर पांच विकास का शिलान्यास करें। हमारे स्टेशन पर भी यह शिलान्यास हो चुका है। मार्गदर्शन के लिए जो इनॉग्रेशन किया है उसमें से अलवारी स्टेशन भी है। अलवारी स्टेशन पर जो हम लगभग 25 करोड़ रुपए खर्च करने वाले हैं रेलवे की तरफ से, जिसमें एफओवी बनेगा, एफओवी फुट ओवर ब्रिज, जिसमें वेटिंग रूम भी होंगे, जिसमें जो है एसी भी लगेंगे और जो वेटिंग पैसेंजर्स हैं वहाँ पे आराम से वेट कर सकते हैं। और यहाँ पे लिफ्ट भी लगने वाली है और हमारा स्टेशन जो है और उसका सर्कुलेटिंग एरिया वो भी निर्निर्माण होने वाला है। सर, इसके में अगर लोगों का डिमांड है यहाँ कि कुछ सुपरफास्ट ट्रेन जो कि साउथ बाउंड हो या पौधातिक एक्सप्रेस, कैपिटल एक्सप्रेस, इसका भी स्टॉपेज का एक दावा किया गया है, स्मारक भी दिया गया आप सभी को सौंपा गया, क्या कहेंगे इसे? हाँ, इसके हमारे पास डिमांड आई है तो उसके लिए हम हायर अथॉरिटी को जो प्रोसेस कर रहे हैं हो सकता है कि वो डिमांड एक्सेप्ट हो। एक और सवाल आपके पूछेंगे कि उसका भी वर्क सेंक्शन हो गया है, वो भी जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। सर, एक बात बोलना चाहेंगे, बोर्ड की ही अथॉरिटी है, हम यहाँ से प्रोसेस कर रहे हैं, प्रोसेस हमारे पास रिक्वेस्ट आई है, चेयरमैन साहब की रिक्वेस्ट आई है तो हम उसे प्रोसेस कर रहे हैं, देखते हैं कि अगर वो सक्सेसफुल हुआ तो रेलवे बोर्ड ने एक्सेप्ट करा तो वो चीज हो पाएगी। मैं कटिहार डिवीजन से जो है डीआरएम कटिहार को रिप्रेजेंट यहाँ पर एज ए कोऑर्डिनेटर। शांतिनगर जो रेलवे ओवरब्रिज है उसके बारे में अभी मेरे पास थैंक यू सर।